It's for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys. Welcome back to our channel Finvest. Hope all of you are doing good. अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा. आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग इसके लिए इम्प्रूव करने में. ट्वेंटी टू अप्रैल जी हाँ ट्वेंटी वन अप्रैल को आपको पता ही है राम रामनवी के चलते इसमें छुट्टी है तो ट्वेंटी टू अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं उनकी हम बात कर लेंगे सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है ट्वेंटी टू अप्रैल के लिए वो है हमारा अडानी ग्रीन आज के आपने मार्केट देखा होगा आज मार्केट पहले पॉजिटिव था गैप ऑफ ओपन हुआ था उसके बाद डाउन आया अब ये तो एक्सपेक्टेड था कि डाउन आना है बट पॉजिटिव ओपनिंग ये एक्सपेक्टेड नहीं थी काफ़ी लोगों ने बाई साइड में पैसे कमाए हैं मॉर्निंग में जब जो स्टॉक बढ़े थे बाकी तो घटे ही हैं ज़्यादा स्टॉक की मैं बात नहीं करूँगा 50 परसेंट स्टॉक घटे हैं फिफ्टी परसेंट स्टॉक बढ़े हैं तो ऐसा मार्केट चलता है जब कभी स्टॉक जो है एक बार अच्छा सा चल रहा है और गैप डाउन ओपन हो जाए तो ऐसी कंडीशनस आती हैं अब देखेंगे कि थर्सडे को मार्केट कैसा चलता है अडान ग्रीन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है देखिए रूल ध्यान ज... से सुन लीजिएगा आप बाय करके चलेंगे थाउजेंड एंड फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो पे थाउजेंड एंड फिफ्टी पे एक्जैक्ट बाय नहीं करना है मैंने रूल समझाए हैं आपको आप अगर न्यू व्यूअर्स है तो मैं एक बार बता दू क्योंकि इस वैल्यू पे आके स्टॉक जो है कभी कभार डाउन आ जाता है इसलिए पहले इसलिए आप इस वैल्यू पे एक्सैक्ट बाय नहीं करेंगे जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप इसे बाय करके टारगेट रहेगा थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव और थाउजंडी फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा थाउजेंड एंड थर्टी नाइन का अब पहला टारगेट प्राइस स्मॉल क्यों रहेगा थाउजेंड का स्टॉक है पांच पॉइंट का टारगेट मिल रहा है देखिए क्वेश्चन जायज है बट ये चीज समझिए कि अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए क्या पता वो शॉर्ट सेलिंग साइड की मूवमेंट दे रहा हो और आपने उसे बाय कर लिया और बाय का लेवल भी ब्रेकआउट कर रहा हो तो भी आपका एक टारगेट प्राइज अचीव पहला टारगेट प्राइस हमेशा मैं स्मॉल देता हूँ इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है कम कैसे हैं क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है आपको सीधा शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जैसे ही ये पहला टारगेट प्राइस अचीव होता है आपको सुनना नहीं है आपको वेट नहीं करना है आपको होल्ड नहीं करना कुछ नहीं करना है सीधा जो है स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पर चीज ध्यान रखिएगा बाकी शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा थाउजेंड एंड थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पे एक्ट एक्जैक्ट थाउजेंड एंड थर्टी सेवन पे आप इसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड थर्टी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव एंड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका थाउजेंड एंड फोर्टी एट का यानी कि 1048.50 एंड फोर्टी एट पॉइंट फाइव अपना लगाएंगे और अगर लिमिट में लगा रहे हैं या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर के साथ लगा रहे हैं तो इस पॉइंट से ऊपर ही लगाएगा थाउजेंड फोर्टी नाइन पे लगा दीजिए और इसमें आप नीचे ही लगाइए थाउजेंड थर्टी एट पर लगा लीजिए क्योंकि तो ऐसे में क्या होता है जब बायर्स और सेलर्स नहीं मिल पे तो कभी कभार वो जल्दी स्टॉप लॉस हिट करवा देता है या फिर आपको जो है शेयर्स जब आप बाय करने जाते हैं तो आप इसमें थाउजेंड या थाउजेंड का लगाइए क्योंकि लिमिट पर जब आप लगाते तो जल्दी हो जाता है आपके एक्सपेक्टेड से क्योंकि कभी बायर और सेलर नहीं मिल पाते तो आपका जो शेयर होल्डिंग पे है उन्हें पहले ही रिलीज कर देते हैं तो ये चीज़ आपके साथ बहुत बार हुई होगी तो ये चीज ध्यान रखिएगा बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मॉर्निंग में मैं दो लेवल्स वहीं प्रोवाइड करता हूं दो लेवल्स मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूं और मैं 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स भी प्रोवाइड करता हूं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा मिनिमम टेन पॉइंट्स का आपका गेन रहता है ये मैक्सिमम 25 प्लस अब स्टॉक जो है फोर टू सेवन की रेंज में रहता है बल्क में आपको शेयर्स बाय करने पड़ते हैं और बल्क यानी कि 400, 500 शेयर्स आप डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट का मैं तो कम भी शेयर्स बाय कर सकते हैं लेकिन 10 पॉइंट्स का देखिए मिनिमम गेन आपको मिलता है 400 का अगर आपने 400 भी बाय किया तो आपको 4000 थाउजेंड मान लीजिए बट मैं मिनिमम थाउजेंड रुपीज लगा के चलता हूँ क्योंकि काफी सारे हमारे साथ बिग्नियर्स है उन्हीं का मैं स्क्रीन भी अपलोड करता हूं टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होगा डेली का थाउजेंड रुपीजी का प्रॉफिट रहता है क्योंकि बिगनियर्स है अभी सीख रहे हैं कम शेयर्स लगाते हैं फिफ्टी हंड्रेड ऐसे समथिंग वन फोर्टी छोटे स्टॉक्स में आपको बल्क में शेयर्स बाय करने होते हैं ये बात आप ध्यान रखिएगा बाकी चलते हैं हम अपनी अगली कॉल की तरफ अगली कॉल की मैं बात करूं वो है हमारी टीम टीम किन किन आप बाय करके चलेंगे जैसे लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन का टारगेट रहेगा टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड सेवनटी थ्री थर्टीन हंड्रेड एट्टी टू थर्टीन हंड्रेड नाइनटी फाइव का स्टॉपलस रहेगा थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव का ये भी लेवल्स ब्रेकआउट होंगे एक चीज मैं आपको समझा दू पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ जो हमने आज के लिए आपको स्टॉक्स दिए थे उनका क्या रहा सबसे पहला स्टॉक था हमारा ये वाला इसी स्टॉक में देखिए मैंने आपको कहा था कि जो है पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा ये बात मैं अपने न्यू न्यूवियर्स को भी बता दूर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन अगर गैप अप ओपन हुआ तो और स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप साइड गैप डाउन ओपन हुआ है और अप ट्रेंड में तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप शॉर्ट सेलिंग का अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये डाउन ट्रेंड में था और ये एकदम से इसने हमारा जो लेवल था फोर थाउजेंड फाइव का वो ब्रेकआउट लिया था यहाँ पे तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था जब डाउन ट्रेंड में हो तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना पड़ता है इसे करके अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते हुए बढ़ेगा और ऐसे ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते हुए घटेगा तो यही चीज़ है अप एंड डाउन करा तो पहला लेवल ब्रेकआउट इसीलिए छोड़ना पड़ता है बाकी दोबारा जब यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसने हमारे दो टारगेट प्राइस लगभग लगभग दो ही टारगेट प्राइस अचीव कर लिए थे बाकी शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारा एस हिट हो गया था एट दी एंड में जब इसने शॉर्ट सेलिंग साइड की कॉल पकड़ी तो इसने हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस इजिली अचीव कर लिया था कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी अगला था हमारा मास्टेक मास्टेक की मैं बात करूं मास्टेक में हमारा जो है शॉर्ट सेलिंग साइड का जो है हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी बाय साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइस प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देकर चले गया था स्टॉक जो है गैप अप ओपन होने के कारण इसमें हमारी जो है ट्रेड नहीं हो पाई इस स्टॉक की मैं बात करूँ ये स्टॉक था हमारा इसे हमें बाय करके चलना था फोर्टी पे यानी कि इस लेवल पर बाय करना था ट्वेल्व पे और इसने अपना हाई बनाया है ट्वेल्व नाइन्टी फोर का तो देख लीजिए आप इजीली इस इसने तीनों टारगेट प्राइस अचीव कर लिए बिना किसी उसके शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूँ शॉर्ट सेलिंग की साइड में हमें जो है इसे शॉर्ट सेल करके चलना था 1216 पे और इसका एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे ही देखिए अब जो स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट करने वाला वो यहाँ पे आपको काम आया होगा कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पे एक्ट स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो कभी कभार स्टॉक जो देखिए बाई साइड का इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया बट शॉर्ट सेलिंग साइड का लेवल भी ब्रेकआउट किया ज्यादा मूवमेंट भी नहीं दिया बट हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव किया मैं बात कर लेता फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के तो 700 की रेंज में जो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूं अब मैं आपको चीज समझाता हूँ अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या कंडीशन करनी पड़ती है यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई हुई है मान लीजिए ये जो हमारा स्टॉक है ये इसका बाइंग प्राइस है मान लीजिए रूम कर लीजिए और ये हमारी शॉर्ट सेलिंग

लेता है तो उसके बाद जो भी लेवल ब्रेकआउट करे बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट करे बाय कर लेंगे शॉर्ट सेलिंग लेवल ब्रेकआउट करे शॉर्ट सेल कर लेंगे ये तो है पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन होती है हमारी कि अगर स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ है और गैप रिफिल नहीं कर रहा है बट हमारे बाइंग प्राइस पर ही दो मिनट का होल्ड ले रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है और हमारे शॉर्ट सेलिंग प्राइस पर ही दो मिनट का होल्ड ले रहा है तब हम इसे बाय शॉर्ट सेल कर सकते हैं यही कंडीशन यहाँ पे थी हमारे जो हमें इसे बाय करके चलना था फोर्टीन हंड्रेड एटीन पे गुजरात एलकलीज को तो इस स्टॉक ने भी हमारा जो है दो मिनट का होल्ड लिया आपको मिल गया था अगला था एम एन एम में हमारे जो है ट्रेड नहीं हो पाई स्टॉक जो था काफी ज्यादा गैप ओपन हो गया था की मैं बात करूं आप देखिए इस स्टॉक में देखिए डिपेंड करता है अगर आपने ये तो था, हमारे बाइंग प्राइस पे ही खुला था एग्जैक्ट अगर आपने बाय किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा बट अगर किया होगा ये चीज मतलब कंडीशन है कि अगर आपने किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा बाई साइड के लिए शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा ऐसे लिट हो गया और अगर आपने ये स्टॉक बाय नहीं किया होगा तो आपको ये स्टॉक ऐसा लगा होगा कि ये गैप ओपन हुआ है तो आपने इस स्टॉक को छोड़ ही दिया होगा दो ही कंडीशन है इसमें बाकी कौंकर में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है दो बार हमारे जो है बाई साइड के हाउरेकॉर्ड रूल में आपको बता दूँ जितनी बार लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाय शॉर्ट सेल कर सकते हैं उसी के तहत यहाँ पे दोबारा से एटीन पाया और इसने अपना हाई बनाया सिक्सटीन का सॉरी 54, 54 आया और इसने अपना हाई बनाया का तो इसमें भी दो बार हमारे साइड की कॉल होगी राम कोशिश की मैं बात करूं ये स्टॉक जो था गैप ओपन हो गया था हालांकि चार्ट में ये दिख नहीं रहा है बट हमारी दो पॉइंट ऊपर आखिरी स्टॉक था हमारा वी प्रो देखिए ज्यादातर स्टॉक्स में गैप शो होने के कारण हमारी ट्रेड नहीं हो पाई जिनमें हुई उनमें रिजल्ट भी आपको मिला है बट हमारा वी प्रो में रिजल्ट नहीं मिल पाया इसमें हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग की तो कॉल लगी नहीं साइड का हमारा बाईस हो गया था और ये था कुछ रिव्यू हमारा जो हमने आपके लिए कॉल दिए थी आज के लिए चलिए बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट सेलिंग का लेवल की शॉर्ट सेलिंग से का लेवल रहेगा थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री का लेवल रहेगा इसका शॉर्ट सेल का टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड फोर्टी सेवन थर्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी का सब्लस रहेगा आपका थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव का ट्रेड का पहला मिनट आप छोड़ेंगे यानी कि नाइन सिक्सटीन या नाइन सेवनटीन से अपनी ट्रेड लेना शुरू करेंगे बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ